नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इस साल 2024 में अप्रैल के महीने में आ चुकी है बंपर भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बंपर सरकारी नौकरी की जानकारी लेकर आए हैं। तो इस साल 2024 में नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। अगर आप कक्षा 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको केवल इस साल 2024 में 100% एक सरकारी नौकरी मिल जाए, तो आपको 100% सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप जो है 100% एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं, लेकिन कैसे मिलेगी वो संपूर्ण जानकारी के लिए आपको केवल इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको इन तमाम बंपर भर्तियों की जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अप्रैल 2024 में, इस साल 2024 में जो भर्तियां निकाली गई है, 85,000 पदों पर भर्तियां हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 85,000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है। और दोस्तों, इन भर्तियों के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती के माध्यम से आपका यहां पर सिलेक्शन भी होने वाला है। और एज लिमिट जो है 18 से 50 साल यहां पर रखी गई है। तो फ्रेंड्स, कम से कम अगर आपकी एज है 18 और मैक्सिमम है 50 साल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो संपूर्ण भर्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी भर्तियों की जानकारी देंगे। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि रोजाना आपको सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जा सके, और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस साल 2024 में अप्रैल की नई भर्तियों के बारे में। बंपर भर्तियां हैं, 85,000 पदों पर ये बंपर भर्ती की खुशखबरी है। आप देख सकते हैं यहां पर एज लिमिट क्या है, 18 से 50 साल है, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है और अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं इस भर्तियों के लिए। तो दोस्तों, आवेदन शुरू हो चुके हैं, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज ही अप्लाई कीजिएगा। ये जो भर्तियां हैं ऑल ओवर इंडिया की भर्तियां हैं, अगर आप भारत के किसी भी राज्य या जिले में रहते हैं तो आप सभी अभ्यर्थी जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो अन्य सभी जानकारी के लिए चलिए आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। दोस्तों, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है sarkaritodaynews.com। यहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। आप चाहें तो दोस्तों इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, sarkaritodaynews.com। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे, आप सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो हम आपको वन बाय वन करके भर्तियों के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर वन भर्ती के साथ, जो कि आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई रिक्रूटमेंट है। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की जॉब है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं फ्रेंड्स, आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई केवल आपको ऑफलाइन करना होगा। यहां पर जो पद जारी किए गए हैं मल्टीपल हैं, आप देखते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद हैं, टैक्स असिस्टेंट के पद हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पद यहां पर जारी किए गए हैं, ठीक है। और यहां पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है वो आप यहां से देख सकते हैं किस प्रकार रहेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस आपका बिना एग्जाम के रहेगा, यानी कि आपका केवल इंटरव्यू होगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, एग्जाम नहीं होने वाली है, बिल्कुल सीधी भर्ती है। सैलरी की बात की जाए तो 18,000 से 1,42,400 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है, ठीक है। तो सैलरी काफी अच्छी आपको दोस्तों यहां पर देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर एज लिमिट क्या रखी गई है। तो दोस्तों, यहां पर जो एज लिमिट है वो आप देखते हैं कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल है, आई सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। और एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, चाहे आप जनरल के हो, चाहे आप ओबीसी के हो, चाहे आप SC ST किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन यहां पर क्या रखी गई है। तो क्वालिफिकेशन में यहां पर आप देख सकते हैं कम से कम 10वीं पास, 12वीं पास या फिर अगर आप ग्रेजुएट पास भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एज सून एज पॉसिबल लास्ट डेट है, ठीक है, अप्लाई कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं, अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहां पर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं। तो ये जो भर्ती निकाली गई है दूसरे नंबर की, ये आप देख सकते हैं कहां से है, NLC की तरफ से है, यानी कि NLC इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती। तो यहां पर जो वैकेंसी है इंडस्ट्रियल ट्रेनी की वैकेंसी है, टोटल 239 पोस्ट पर भर्ती है। अप्लाई सिर्फ आपको ऑनलाइन करना होगा, ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट जो हैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहां पर जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है वो किस प्रकार होगा वो आप यहां से जरा देख सकते हैं कि सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका जो है रिटर्न टेस्ट होने वाला है, रिटर्न टेस्ट होगा आपका, और यहां पर किस प्रकार आपकी मेरिट बनेगी, SC ST कैटेगरी वाइज आप उसे चेकआउट भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है। यहां पर आपको अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और सैलरी की बात की जाए तो यहां पर आपको जो सैलरी मिल रही है
कम से कम 16,000 है और 22,000 मैक्सिमम आपको सैलरी मिल रही है। वहीं एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 42 साल है। आई सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज आप ये बेनिफिट भी ले सकते हैं। और दोस्तों इस भर्ती के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आप देख सकते हैं, 10th पास, ITI पास, डिप्लोमा पास, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, आवेदन करने का प्रोसेस भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं आवेदन जो है 20 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 19 अप्रैल 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा, यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं क्लिक करके, और यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन को ऑफिशियली डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपके सामने है, ठीक है, चेकआउट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, इंडिया पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से आ चुकी है इस साल 2024 की नई भर्ती। तो 2024 की ये नई भर्ती निकल कर आ चुकी है। यहां पर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट है, पोस्टमैन की भर्ती है, मेल गार्ड की है, PSA की है और क्लर्क की भर्ती है। मल्टीपल जॉब से आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों आप देखते हैं 1,10,000 पोस्ट है जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस केवल मेरिट के आधार पर रहेगा, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, ठीक है। तो अप्लाई कीजिएगा, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती के माध्यम से आपको ये जॉब मिलने वाली है। बात की जाए यहाँ पर सैलरी कितनी है, तो सैलरी 18,000 से 81,000 रुपए पर मंथ है। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल है। एज का रिलेक्शन भी आपको मिल रहा है रिजर्व कैंडिडेट्स को, ठीक है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो है जनरल OBC के लिए 100 रुपए जिसका पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना है। SC ST के लिए फ्री है जिसका पेमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं करना है। SC ST को कोई भी पेमेंट नहीं करना है, बाकी जनरल OBC को 100 रुपए का पेमेंट ऑनलाइन करना है। क्वालिफिकेशन में कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है, अगर आप 10th क्लास पास है तो आप एलिजिबल हैं। 10th के अलावा 12th और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके आवेदन 30 अप्रैल तक चलेंगे, यहां से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, यहां से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजली विभाग की नई भर्ती के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बिजली विभाग में जो भर्ती निकाली गई है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। यहां पर जो पोस्ट है टेक्नीशियन Grade 3 की पोस्ट है, टोटल 2000 पोस्ट पर भर्ती है जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देखते हैं बड़ी भर्ती निकाली गई है, 2000 पदों पर भर्ती है। और यहां पर जो एज लिमिट है वो क्या है, कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 37 साल है। एज का रिडक्शन भी आपको मिल रहा है रिजर्व कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो ICMA में छूट भी है। और यहां पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आप देख सकते हैं क्या रहेगी, जनरल ओबीसी के लिए 1500 रुपए फीस है, SC ST के लिए 375 है और पेमेंट सिर्फ आपको ऑनलाइन करना है। और बिहार की जॉब लोकेशन है। क्वालिफिकेशन में 10th पास, ITI पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो अप्लाई कीजिएगा। इसके आवेदन जो है कब से कब तक चलेंगे वो आप देख सकते हैं, 1 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं आवेदन और लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल 2024 है, ठीक है। तो 30 अप्रैल से पहले अप्लाई कीजिएगा, यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और यहां से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आज ही अप्लाई कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की नई भर्ती के बारे में। तो SSC की तरफ से JEE का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती आ चुकी है। 966 पोस्ट पर भर्ती है जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पर सबसे पहले आपको बताएं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो आप देख सकते हैं रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन रहेगा और अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की है, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सभी के लिए यहाँ पर जॉब निकाली गई है। बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट जो है यहाँ पर कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 32 साल है, ठीक है। एज का रिलेक्शन भी आपको मिल रहा है। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए 100 है जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, बाकी SC ST PWD और फीमेल्स के लिए सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप डिप्लोमा या डिग्री पास है इंजीनियरिंग के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आवेदन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 मार्च से शुरू हो चुके हैं जो कि 18 अप्रैल तक चलेंगे। यह लिंक अप्लाई करने का, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नई भर्ती है, अप्लाई कीजिएगा, आवेदन शुरू हो चुके हैं, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू कि कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती है और सारी जानकारी आप ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भर्ती आ चुकी है, सहायक जूनियर क्लर्क की भर्ती है, 612 पद हैं, असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर के पद हैं, 93 पद हैं, ठीक है। टोटल 705 पदों पर भर्ती है। सिलेक्शन के प्रोसेस में यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा और इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है। सैलरी 10,000 से 60,000 रुपए पर मंथ आपको मिल रही है। एज लिमिट 18 से 33 साल है। ICMA में छूट है।
वहीं दोस्तों यहां पर जो एप्लीकेशन फीस है उसे आप चेकआउट कीजिएगा कि फीस आपकी कितनी है। जनरल ओबीसी के लिए 500 है और एससी एसटी के लिए 250 रुपए फीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा या डिग्री पास कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन शुरू हो चुके हैं, 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन, 1x1 करके आप चेकआउट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। जी हां दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर ही नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से। तो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आ चुकी है। टोटल 760 पोस्ट पर भर्ती है, जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस केवल इंटरव्यू के थ्रू रहेगा, आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। सीधी भर्ती यहां पर देखने को मिल रही है और यहां पर सैलरी काफी अच्छी आपको मिल रही है। ठीक है, सैलरी 56,100 रुपए पर मंथ है। एज लिमिट जो है 18 से 25 साल है, आयु सीमा में छूट भी है। ठीक है, वहीं दोस्तों बात की जाए एप्लीकेशन फीस की, तो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी कैंडिडेट्स फ्री में अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन में 12th पास के लिए भर्ती है। ठीक है, आवेदन शुरू हो चुके हैं, 10 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस साल 2024 अप्रैल की नई भर्तियों की जानकारी। इन भर्तियों के अलावा और भी नई भर्तियां, जिसकी सीधी जानकारी आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो रोजाना नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।